मैं मुम्मा किचन इंडिया मुम्मा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरा एक अनुरोध है दोस्तों कि मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके भी मुझे जरूर बताएं। तो आज मैं आप लोगों को सूजी का केक बना के रवा केक बना के दिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स के बाद में मुझे एक याद आया कि मैं गोमो में गई थी, जिसका दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हजारीबाग जेल में जब नेताजी थे तो वहाँ से जब भागे उन्होंने तो गोमो से ही उन्होंने ट्रेन पकड़ के दूसरे जगह के लिए रवाना हुए। तो वहाँ मुझे एक अग्रवाल फैमिली से मुलाकात हुई, जिसके यहाँ मैंने हैंडीक्राफ्ट सब देखी जिसमें ड्राई फ्रूट्स रखा जाता है और वो सब शादी वगैरह त्योहारों में दिया जाता है। तो मैं इसे आज अपने वीडियो में उसे भी दिखाऊंगी सूजी के केक के साथ। अच्छा, वो हल्दी के रसम में पहनते हैं ना, ऐसे कुछ मतलब आजकल फैशन है बोल के हल्दी के रसम में आज पहनाते हैं। अच्छा, हल्दी के रसम में वो गले का हो गया, ये हाथ फूल हो गया। अच्छा, यहाँ हाथ फूल, हाथ फूल, हाँ पहनते ना आप लोग में भी तो चलता है ये चीज। इसमें धर रिंग है, हाथ फूल हो गया, ये टीका। अच्छा, टीका, टीका। अच्छा, ये इयर रिंग। अच्छा, इयर रिंग भी बन गया। हाँ, तो पूरा फुल सेट होना चाहिए ना, तब ना फिर मैच में पहनेगा कोई भी। तो ये वो तिलक लगाते हैं ना सबको हाथ से, तो हाथ पूरा गंदा हो जाता है, तो ये तिलक लगाने वाला स्टिक, तिलक स्टिक। ये ऐसे करके तिलक लगाने के ऐसे तिलक वो रुपये वाला गट बोलते हैं हम। अच्छा, लोग तो अच्छा, सूखा नारियल गोला जो बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो ये में मत... गिरी गोला देते हैं ना। हाँ, तो उसी को है ये सूखा नारियल है। अच्छा, उठाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, नहीं, आपका वो कूट है। हाँ, अच्छा, कूट पर शादी का कार्ड बांट जाता है ना, शादी का कार्ड, उसी का वो शादी का कार्ड को ऐसे फोल्ड करके। अच्छा, फिर ये कान वान सब शादी का कार्ड से। अच्छा, और ये तो पूरा वो तार से वेस्ट वाला तार बांधता ना। अच्छा, ऐसे मत सूट कीजिए, कुछ कुछ भर देंगे तो अच्छा लगेगा। खाली खाली अब भर रहे हैं हम, सूट कर रहे हैं और भरने का। कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें डालना है काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अच्छा, अखरोट वगैरह ना। हाँ, नीचे से तरह तरह का ड्राई फ्रूट डालना है। हाँ, पांच तरह का, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, और इसमें भी डालना, इसमें भी वही। अच्छा अच्छा, नीचे बेस क्या चीज का है? वो कूट का मोटा वाला, नीचे कूट का बना है ना। ये आपका वो पाइप है, वो जो वॉशिंग मशीन में लगता है वेस्ट वाला पाइप, वो वाला पाइप है। ये आपका वो पेपर है, वेलवेट पेपर है। ये आपका यही फूट है पूरा, ये जो पंखा में इन लोगों का वेस्ट में निकलता है ना, ये वो सारा कूट है इसका। अच्छा अच्छा, कार्टून का जो कार्टून है, कार्टून का कूट है, बहुत सुंदर। हाँ, तो चले मैं अभी रवा केक बना के दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 200 ml के करीब सूजी है, रवा है, और आपका चीनी, शुगर पाउडर है आपका 100 ml के करीब, और मैदा 80 ml के करीब है, ऑल पर्पस फ्लोर। और इसके लिए मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी रखी हूँ, वॉलनट और ऑलमोंड, और इलायची पाउडर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इसे मैं दही से बनाऊंगी, दही भी है, दही भी है थोड़ी। घी लिया था इसमें थोड़ा सा, आधा चम्मच घी ली हूँ।
और ये रिफाइन ऑयल मैंने 2 चम्मच डाली। चम्मच में बेकिंग सोडा दी, बेकिंग मीठा सोडा। और 1 चम्मच में बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इसे मैं स्ट्रेनर से छान रही हूँ। रबा और मैदा को एक बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर से स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके एक साइड में रख दी। अब मैं इसमें शुगर पाउडर को मिला रही हूँ तेल में। और थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ और 1 चम्मच तेल डाल दी। मैं इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। और मैदा को इसमें डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। फिर अब मैं इसमें दूध मिला रही हूँ। इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होगा फीता के जैसा गिरना चाहिए। इसमें इलायची पाउडर डाल दी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, वॉलनट और आलमंड थोड़ा सा काट के रखी हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे भी डाल दी। थोड़ा रोज एसेंस डाल रही हूँ। बस थोड़ा फूड केसर कलर है उसे भी थोड़ा डाल रही हूँ। ये केक टिन में मैं ये बटर पेपर को काट के उसमें लगा रही हूँ और इसे थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर दूंगी। और गैस के चूल्हे में मैंने कुकर को नमक डाल के प्री हीट होने के लिए रखी हूँ। तेल से मैं ग्रीस कर रही हूँ। बैटर को मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसे टैप करूंगी। एयर बबल सब निकल जाएगी। कुकर को मैं रीहीट होने के लिए रखी हूँ थोड़ा नमक डाल के। इसको पूरा नहीं भरना है, बैटर से आधा ही रखना है। और ये स्टैंड को मैं रख दी। कोई चीज के मदद से आप रखें, इसे बहुत ही गर्म है, हाथ जलने का डर रहता है। रखिए इसे, वह इसको हटा दी हूँ। 1 मिनट के लिए बेक करने रखी हूँ। फुल फ्लेम में रखने के बाद फिर फ्लेम को कम कर दूंगी। देखिए मेरी रवा केक बन के तैयार है। अब मैं इसे डिमोल्ड करूंगी। थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी सी ठंडा होने दे रहे हैं। तब तक इसे चाकू चारों ओर घुमा ले रहे हैं। अब मैं डिमोल्ड करूंगी इसे। देखिए कि
देखिए कितना सॉफ्ट बना है, काट के मैं दिखा रही हूँ। देखिए इतना सॉफ्ट बना है, देखिए इतना सॉफ्ट बना है। और ये रवा केक अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, आप इसमें तो कोई खर्चे भी नहीं लगेंगे आपको। और मेरे वीडियो के नीचे में लाल बटन रहेगी जिसमें सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसे जरूर क्लिक करें तो मेरे सारे रेसिपीज के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें और शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स की अपेक्षा में रहती हूँ कि आप क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करें। थैंक यू।